दोस्तों, जो यहाँ पर यूपी सीएम फॉलोशिप स्कीम 2023-24 के जो यहाँ पर फॉर्म आए हैं, हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो मुख्यमंत्री नगरीय फॉलोशिप कार्यक्रम, जो यहाँ पर यूपी में फॉर्म वगैरह निकाले गए हैं, अगर आपने भी इसके लिए आवेदन वगैरह कर दिया है और फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको पता चला है भी आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है, तब क्या यहाँ पर कोई करेक्शन का तरीका वगैरह है? अगर है कोई करेक्शन, डेट वगैरह आने वाली है तो उसके बारे में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिए। और साथ में दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगा, अगर आपने फॉर्म फिल करते करते कोई बीच में मिस्टेक कर दी है, अभी फॉर्म आपका सबमिट नहीं हुआ है, तो किस तरीके से आपको बैक जाकर वहाँ पर करेक्शन वगैरह करना है, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी और अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैं इसके एजुकेशन वाले स्टेप पर आ गया हूँ। अगर बाई चांस आप इस डिटेल को भी फिल कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, इसके बाद पता चलता है ये आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई या फिर प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर आप पहुंच गए हैं, वहां पर से भी आपको यहाँ पर प्रीवियस का बटन मिल जाएगा। दोस्तों, बैक करके आप, यानी कि प्रीवियस वाली बटन पर क्लिक करके आप बैक वाले पेज पर आ सकते हैं और अपनी कोई भी डिटेल में एडिट वगैरह कर सकते हैं, जिस डिटेल में आपको एडिट वगैरह करना हो। तो अगर बाई चांस आपसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने में मिस्टेक हो गई है, तो वो भी आप यहाँ पर डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं या फिर इनको दोबारा से चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा हो जाता है कि फॉर्म आपका सबमिट हो जाता है और फॉर्म को सबमिट करने के बाद जब आप प्रिंट आउट देखते हैं, तो पता चलता है कि भैया मेरे फॉर्म में तो ये मिस्टेक हो गई, अब क्या मुझे इसको करेक्शन करना है, और करेक्शन करना है तो इस वाले फॉर्म में कैसे करना है। वैसे तो कुछ जानकारी इसके नोटिफिकेशन में दे रखी है, लेकिन कोई ऐसा तरीका नहीं बता रहा है या फिर कोई डेट वगैरह वहां पर मेंशन नहीं कर रखी है कि कोई आगे चल के कोई फ्यूचर में करेक्शन की डेट वगैरह आएगी, लेकिन एक तरीका दे रखा है जिसके थ्रू आप अपने फॉर्म में करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, मैंने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। इसके 4 नंबर पेज पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, परीक्षण के पश्चात अस्पष्ट आवेदन हटा दिया जाएगा, यानी कि जब ये एक बार चेक कर लेंगे आवेदनों को, तो यहाँ पर जो भी गलतियाँ गलत वाले आवेदन होंगे उन सबको हटा दिया जाएगा। या फिर दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ डुप्लीकेट, यानी कि 2 बार कोई कैंडिडेट फॉर्म फिल कर देता तो उस केस में क्या होगा, ईमेल आईडी फोन नंबर एवं नाम पुनरावृत्ति एक अरूपता के स्थिति में केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने ये दे दिया है भैया, अगर आपने 2 बार फॉर्म फिल कर देते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक ही आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने दोस्तों ये नहीं बता रखा है कि आपका बाद वाला आवेदन स्वीकार किया जाएगा या फिर पहले वाला आवेदन स्वीकार किया जाएगा। तो वैसे तो यहाँ पर कोई करेक्शन का तरीका है नहीं है दोस्तों, ना ही इसमें कोई करेक्शन की डेट वगैरह आने वाली है। बस आप करेक्शन कर सकते हैं तो इसी तरीके से करेक्शन कर सकते हैं। अब ये बाद में पता चलेगा कि भैया ये पहले वाला एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर बाद वाला एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। अगर आपका वैसे ही फॉर्म रिजेक्ट वगैरह तो होगा नहीं, आपका इन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है। अगर आप बाई चांस 2 बार भी फॉर्म फिल कर देते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट नहीं होने वाला दोस्तों। एक बार गलती थी पहले वाले फॉर्म में तो वो तो परमानेंट रहेगी, अगर ये पहले वाले एक्सेप्ट करते हैं, और बाद वाला एक्सेप्ट करते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ पर करेक्शन हो जाएगा। अगर कई लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं आप बिल्कुल शुद्ध करके समझा देता हूँ यहाँ पर हिंदी में, कि जैसे मान लीजिए मैंने फॉर्म यहाँ पर फिल कर दिया और मेरे फॉर्म को सबमिट करने के बाद मुझे पता चला है ये मेरे फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है। इसके बाद मैंने जब ये वाली लाइन पढ़ी है तो इन्होंने जैसे कि बता रखा है भैया एक नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सेम होने पर आपकी एक फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर सोचा कि क्यों ना एक और फॉर्म में फिल करके सबमिट कर देता हूँ, पहला वाला मेरा फॉर्म तो गलत हो ही गया, दूसरा मैं फॉर्म फिल करके सबमिट कर देता हूँ, तो उसमें ही मैंने नाम वही डाला, ईमेल आईडी वही डाली, नंबर भी वही डाला, लेकिन वो फॉर्म मेरा पूरा सही था, बाकी सब डिटेल बिल्कुल सही सही थी। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, मेरे 2 आवेदन यहाँ पर सबमिट हो गए हैं, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर पहला वाला भी एक्सेप्ट हो सकता है, बाद वाला भी एक्सेप्ट हो सकता है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बता रखा है भैया एक ही आवेदन आपका एक्सेप्ट किया जाएगा, चाहे वो पहला वाला हो चाहे वो बाद वाला हो। वैसे ज्यादातर चांसेस तो ये बोलते हैं कि भैया आपका बाद वाला ही आवेदन यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा, पहला वाला आवेदन यहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि पुराना वाला जो आवेदन आपकी मिस्टेक हुई थी वो निरस्त कर दिया जाएगा, और जो आवेदन आपने बाद में सबमिट किया है जो ये बिल्कुल सही सही था वो यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा। अब वैसे तो फीस वगैरह इसमें कोई कट नहीं रही। अब कई लोग ये बोलते हैं कि भैया बाई चांस मेरे दूसरे आवेदन में भी कोई मिस्टेक हो गई तब मुझे क्या करना है, तो दोस्तों आप यहाँ पर तीसरा आवेदन फिल करके सबमिट कर सकते हैं। उस केस में भी आपके जो डुप्लीकेट वाले आवेदन होंगे, जैसे कि आपके 3 आवेदन हो गए, तो उस केस में भी आपका लास्ट वाला आवेदन मान्य किया जाएगा और पहले वाले 2 आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से आप यहाँ पर अपने आवेदन वगैरह हम करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस फॉर्म में या फिर किसी दूसरे फॉर्म में कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है तो आप मुझे इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मुझे लगेगा उस पर कोई वीडियो वगैरह बनानी चाहिए तो मैं उस पर भी एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा आप लोगों के लिए।